What's good on guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to the video. And guys, आज Roblox पे तुम्हारा Frosty भाई आज करने आया है एक नया टाइकून चैलेंज और इसमें हम लोग करेंगे Roblox का किंगडम टाइकून. और गाइज इसमें अपने को फंडा बहुत सिंपल है, किंगडम बनाने का है. एंड लुक एट दिस, यहाँ पर भाई बहुत सारी जगह है गाइज जहाँ पर हम लोग अपनी किंगडम को एक्सपैंड कर सकते हैं. एंड मिस्टर चॉप अभी तक गेम में नहीं आया, वो लोड ही हो रहे हैं यार. उसका पीसेस लो गया भाई. तो भाई कहाँ का स्लो हो गया भाई? देखो बात हो गया मेरे को यार, झूठ इल्जाम मत लगा करो फ्रॉस्टी भाई. अच्छा अभी दिख रहा है मेरे को भाई, अभी भी देखो स्पॉन ही नहीं हो रहा है. ऑलराइट लेट्स गो. तो गाइस मिस्टर चॉप इज हियर. एक काम करो मिस्टर चॉप, आप हमें फॉलो करो, अपन आपको दिखाएंगे कि इस गेम को खेलते कैसे हैं. फ्रॉस्टी भाई यार इतना नुबड़ा नहीं हूं, मेरे को पता है भाई कैसे खेलते हैं. ओके तो फिर भी मैं एक बेसिक टूर देता हूं. ये हमारा गाइस टाउन हॉल है. ये टाउन हॉल एक्चुअली किंगडम स्टार्ट करने के लिए जरूरी है. एक बार आप टाउन हॉल ले लो उसके बाद आपको यहाँ पे फार्म बनाना होता है जैसा कि अभी अपन लोग बना रहे हैं. एंड ये जो फार्म होता है गाइस ये आपको बहुत बहुत प्रकार के मिलेंगे, जैसे वीट फार्म हो गया, कॉर्न फार्म हो गया, कैरेट फार्म हो गया, उसके बाद विनियर्ड ग्रेप फार्म हो गया. तो मतलब जैसे जैसे पैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे फार्म का जो आउटपुट पैसा है वो भी बढ़ते जाएगा. तो गाइज ये है हमारी हाउसिंग, लेकिन हाउसिंग के लिए पैसे ही नहीं है अपने पास. और यहाँ पर वॉच टावर लगा सकते हैं, लेकिन वॉच टावर लगाने के लिए भी पैसे नहीं है. तो बेसिकली मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर ये जो खेत है ना ये एक मिनट में यार गायब हो जाएगा, जो टाइमर देख रहे हो उसके ऊपर. हाँ मतलब ये खेती बाड़ी कुछ ऐसे ही काम करती है इस गेम में. और आप लोग बहुत ही सस्ते में यहाँ पे वीट फार्म या फिर जो भी टाइप का फार्म बनाना बना सकते हो, लेकिन एक मिनट के बाद वो गायब हो जाएगा. और जैसे जैसे आप लोग महंगे फार्म अनलॉक करोगे वैसे वैसे आपका जो टाइमर है वो ज्यादा बढ़ जाएगा. तो इससे जो आपका पैसा कमाने का चांसेस है वो और बढ़ जाएगा. ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो गाइस यहाँ पर हम लोगों का हर 30 सेकंड में पेमेंट आता है और एक पेमेंट से अपन लोग को इतना पैसा मिल जाता है कि हम लोग दो फार्म आराम से बना सके. अब यहाँ पर गाइस आप मार्केट बना सकते हो, टेम्पल बना सकते हो, मतलब कैसल बना सकते हो, बैरक्स बना सकते हो, जो बनाना है बनाओ, लेकिन आपका किंगडम जो है इतना ज्यादा विशालकाय और भीमशाली होना चाहिए कि लोग जब आपके किंगडम के ऊपर अटैक करे तो भाई उनके कंट्री पर जब आप अटैक करो तो मतलब ऐसा बवाल से मत जाए, समझो. मतलब भाई मैं समझा नहीं पाया आप लोगों को, लेकिन कुछ बवाल होना चाहिए भाई, तब किंगडम में मजा आता है. और ये देखो भाई कितना सारा पैसा आ रहा है, वैसे 85 ही आया है, लेकिन डोंट वरी गाइस अभी अभी एक्शन शुरू ही हुआ है. ऑलराइट चलो तब तक अपन लोग थोड़ा सा मुआयना कर लेते हैं जंग के मैदान का. तो ये वाला एरिया हमारा है, लेकिन इस गांव को कैप्चर करके रखा इस आर्मी ने. और ये आर्मी है कि भाई क्या ये भाई इतना भयानक कैसा, मतलब किसका है? हेलो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मेरे को. ये इसका है? इस पिद्दी के पास इतनी बड़ी आर्मी कैसे आई भाई? यार मेरे को कुछ समझ में नहीं आता इन लोगों का क्या सीन चल रहा है. ओ मेरी आर्मी आ गई, लुक एट दिस, फ्रॉस्टी भाव की आर्मी आ चुकी है 5 लौंडों की. और ये 5 लौंडे पत्री क्या करेंगे? लेकिन हाँ भाई अपन लोग जा रहे हैं. ओ शिट गाइस इन लोगों की इतनी बड़ी आर्मी आ रही है, सारे ट्रूप्स लेवल 2 के हैं, लेकिन ये तो नार पर चले गए. अरे ओ अच्छा मेरे ट्रूप्स भाई ये मिडिल वाला कैप्चर करना चाहते हैं और उसके ट्रूप्स ने कैप्चर भी कर लिया, अब वो इधर आ रहे हैं. अब क्या होगा चॉप, क्या लगता है? भाई आपके लड़कों की पिटाई होगी और क्या होगा भाई. ऑलराइट यहाँ पे कुछ लोगों ने पिटाई की लेकिन बोले हद तेरी, ऐसी की तैसी बाद में लड़ेंगे. और यहाँ पर वापस आ गए. अबे ऐसे ही खेलते रहेंगे क्या ये लोग? भाई ऐसे तो लड़ाई नहीं होगी भाई, मैं लड़ाई देखने आया था, मैं जा रहा हूँ फ्रॉस्टी भाई. अरे अरे लड़ाई होगी दोस्त, लड़ाई होगी, ऐसे कैसे. ऑलराइट गाइस फिर से कैप्चर कर लिया गया यहाँ पर. और ये मिडिल वाले आर्मी भी आ रहे हैं, क्या होगा यहाँ पे. ओ मारा पीटी हुई लेकिन लोग फिर से एक दूसरे को डॉच करते हुए चले गए. अबे क्या लॉजिक लगा रहे हो भाई तुम लोग, मारो इनको यार, मेरे बंदों को छोड़ना मत तुम लोग, मैं चाहता हूँ इनको मारो. क्या टाइम पास गिरी कर रहे हो तुम लोग, आर्मी के नाम पे धब्बा हो. ओके इस बार मारा मारी हुई है. ओके ओ शिट मेरे बंदों को मारा जा रहा है बहुत बुरी तरीके से. तो भाई आप ही ने बोला मारो इनको, मार रहा है भाई और क्या होगा इनके साथ. अबे भाई मतलब ऐसे नहीं यार, लेटा के मारा है भाई. ये देखो छल्ली कर दिया भाई, तीर चला के छल्ली कर दिया भाई साहब. एक आदमी के ऊपर भाई 100 ने तीर बरसाया, याद रखूंगा भाई. जाओ तुम लोग कैप्चर कर लो मेरा इलाका, भी फर्क नहीं पड़ता है, एक दिन हम लोग पहले से ज्यादा मजबूत और फौलाद की औलाद बन के आएंगे, उस समय बदला लेंगे. अबे मेरे सारे वीट फार्म गायब हो गए भाई, जल्दी जल्दी लगाना पड़ेगा गाइस. देख रहे हो लेफ्ट एंड राइट जितने वीट फार्म थे सारे गायब कर दिए लोगों ने. तो जो महंगा वाला है वो तो लगाने की औकात नहीं है, तो काम करते सस्ता वाला लगाते हैं और मस्ती में रहते हैं. ओके तो गाइस 3 वीट फार्म यहाँ पे लगा दिए तुम्हारे भाई ने. और जैसे जैसे आगे जाते रहेंगे आई थिंक ज्यादा वीट फार्म लगाने का ऑप्शन मिलता रहेगा गाइस. तो भाई यार आप इस किंगडम में बैरक्स भी बना सकते हो भाई, बहुत आसानी से बना सकते हो. अरे दिखाई दे रहा है दोस्त, लेकिन अपन लोग अभी वॉच टावर बनाएंगे, क्योंकि गाइस अगर हमारे बेस के ऊपर हमला हो गया तो उसका कौन गारंटी देगा, कौन गारंटी देगा भाई. और ये चॉप का बच्चा मेरे को पता अपनी आर्मी को बड़ा कर रहा है ताकि हम लोगों के ऊपर एक सीक्रेट रेड मार सके. अरे चॉप नूब इज द किंग ऑफ द हिल भाई, जो काम मेरे से नहीं हो पाया इस बंदे की देख रहे हो, इसकी नल्ली आर्मी से हो गया भाई. अपन लोग से क्यों नहीं हुआ यार? भाई देखो मेरे लड़के जो है भाई वो बहुत ही जोश से भरे हुए, समझ रहे हो, आपके लड़कों में जोश ही नहीं था फ्रॉस्टी भाई. अच्छा भाई ठीक है, वो तो वक्त ही बताएगा किसमें जोश है और किसमें नहीं, लेकिन अभी के लिए फिलहाल आप लोग देख सकते हो हमारे तीनों फार्म रेडी हो चुके हैं एंड बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर मार चल रही है. ओ चॉप से छीन लिया गया, नाइस. ओके चॉप अब किंग ऑफ द हिल नहीं रहा दोस्तों, उससे तो अपना बेस नहीं संभाला जाता है भाई. मैं सोचू दूसरों का बेस कैसे संभाल रहा था वो. भाई यार जब तक उसकी मेन आर्मी किसी और को मार रही थी, मैंने पीछे से
जाकर कैप्चर कर लिया। तो दोस्त उसको कैप्चर नहीं करना कहते, उसको चुराना कहते। और ये देखो भाई, इसको भाई जिसको चुराना है उसको चुराने दो, हम लोग अपना मस्त कैसल बनाने पर ट्रेनिंग करेंगे। और कैसल बनाने के लिए हम लोग को $25,000 चाहिए, जो कि बहुत ही ज्यादा पैसे होते हैं। तो एक काम करता हूँ गाइस, मेरे को थोड़ा समय दो, आप सीधा मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, ठीक है, जब अच्छे खासे पैसे हो जाएंगे। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, एज यू गाइस कैन सी, काफी प्रोग्रेस कर लिया हम लोगों ने। इनफैक्ट आप लोग देख सकते हो, देखने से ही पता चल रहा होगा, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने अनलॉक कर ली है। कैसल बस अनलॉक करने ही वाले है गाइस, तो मैंने सोचा आपको अपडेट दे दे। एंड जो फार्म है वो भाई मैक्स लेवल वाला है हम लोगों के पास, ठीक है। अब टाइम है यहाँ पे बैरक्स बनाने का। बैरक्स में हम लोग सीज वर्कशॉप्स बना रहे, जो सबसे महंगी होती है, उनसे आप कैटापुल्ट्स को ट्रेन कर सकते हो। ये देखो आर्चरी वाला भी हम लोगों ने बनाया हुआ है, इसको $1,000 देकर के अपन लोग कर देते हैं लेवल 2 पे अपग्रेड। एंड एज यू गाइस कैन सी, हम लोगों ने काफी हाउसिंग यहाँ पर बनाई है ताकि ट्रूप कैपेसिटी बढ़ जाए। और ये देखो भाई, तुम लोग यकीन नहीं करोगे लेकिन हमारी आर्मी बहुत ही ज्यादा भीमकाय और विशाल हो चुकी है गाइस। लेकिन अभी इस आर्मी से अपन लोग ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, तो हम लोग इसको यार अपना यू नो डिफेंस के लिए यूज करते हैं। लेकिन हाँ, काफी बड़ी हो चुकी है, चौप भी उतनी तेजी से अपग्रेड खेल रहा है। एंड यहाँ पर सब कुछ को अपग्रेड होने में समय भी लग रहा है। लाइक जो हम लोगों का फार्म है ना गाइस, वही ग्रेपयार्ड वाला है, तो उससे ना हम लोगों को लगभग एक बार में आराम से $10,000 मिल जाते, क्योंकि पांचों हम लोगों के पास वही है। लेकिन हाँ, एक फार्म गाइस 10 मिनट तक चलता है, ना कि वो टट्टी कॉर्न फील्ड के जैसा जैसा भाई 1.5 मिनट में खत्म हो जाता था। और गाइस अब हमारे पास इतना पैसा आ गया कि हाउसिंग तो अपन लोग बिल्ड कर ही रहे, साथ में हम लोग उसको अपग्रेड भी कर रहे हैं। सो दिस इज द फास्टेस्ट वे कि आप एकदम मैक्स लेवल में पहुंच सकते हो। और इस वीडियो में हम लोग आपको दिखाने वाले हैं इसका हैक। तो भाई हैक नहीं कहते इसको भाई, आपने सिर्फ और सिर्फ खेती बाड़ी पे फोकस किया है पिछले 30 मिनट से। अच्छा हाँ गाइस, बहुत ज्यादा खेती बाड़ी की है भाई हम लोगों ने, तब जाके आप धबा धब सारी बिल्डिंग खरीद रहे हैं और हमें रोकने वाला कोई भी नहीं है। ये देख रहे हो लंबर कैंप से भी एक्स्ट्रा पैसे आएंगे गाइस। लेकिन अभी फिलहाल के लिए चॉप का बेस जो है सबसे ज्यादा सुपर प्रो मैक्स गाइस, अपने को उसको डिफीट करने का है। वो नुबड़ा देख रहे हो कितने सारे कैसल बना के बैठ गया भाई, पूरा वॉलिंग भी कर दिया उसने। और मैंने यहाँ पर गाइस अपनी दीवार बनानी शुरू भी नहीं की है, इसका एक रीजन है, ठीक है। चॉप ने भाई चीटिंग की, मैं गया था गाइस खाना खाने हमेशा के जैसा, और उस बंदे ने फायदा उठा लिया एक्स्ट्रा पैसा कमाने का, और मेरा फार्म डिस्ट्रॉय हो गया था, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम के बाद आपको रीफार्म करना पड़ता है, ऑब्वियसली पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर इतने प्रो लोग में नहीं आ पाए और इसलिए हमारे साथ अन्याय हुआ है गाइस। एंड फ्रॉस्टी भाई वांट्स जस्टिस, लेकिन अभी के लिए अबे मेरी आर्मी यहाँ पे क्यों खड़ी है, वो आगे क्यों नहीं जा रही है। ऑलराइट आर्मी हमला करो यार, देख रहे हो भाई, ये देख रहे हो किंग ऑफ द हिल चॉप बन के बैठा हुआ है। अपन लोग तो लगता है भाई घास छिलने के लिए आए, यार मेरी आर्मी पे थू है भाई, एक जगह खड़े रहो तुम लोग फिर। ओ भाई उसका यार बेस लग रहा है, क्या भयानक चीज बना दिया भाई चॉप तूने। तो भाई देखा मैं आपसे प्रो प्लेयर हूँ भाई, आप ऐसे अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते मेरे को। अरे पहले बोलना सीख जा मेरे प्यारे प्रो प्लेयर, उसके बाद बात करेंगे। ऑलराइट तो गाइस अब बहुत हो गया भाई, ये देखो फार्म हम लोगों का एक और डिस्ट्रॉय हो गया, 10,000 वाली फार्म यहाँ पे लगा रहे अपन लोग। एंड आई थिंक इट्स टाइम टू स्टार्ट बिल्डिंग वॉल्स, ठीक है। तो चलो यहाँ पर धड़ाधड़ दीवारें खड़ी करना शुरू कर देते गाइस। एंड यहाँ पर जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर है हमारे पूरे के पूरे बेस का, अभी अपन लोग इसकी दीवारें खड़ी करेंगे। एंड ऐसे लाइन से आगे चलते जाएंगे जब तक हमारी नजरें हमें ले जाएंगी गाइस। जहां तक नजर जाएगी वहां तक अपने किंगडम में पैसे की बारिश करने वाले हैं। आज ट्रेजरी में भाई आग लगने वाली है, भाई आग लगने वाली। अरे ये वाला फार्म कैसे छूट गया, चलो भाई इसको भी लगा दिया है। एंड लेट्स गो। ओके तो भाई पैसा ही पैसा आ रहा है। स्टोन टावर लगा देते हैं, ये लकड़ी के दीवार लगा देते हैं, और इन दीवारों को हम लोग लेवल 2 भी कर सकते हैं गाइस, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। ओके तो गाइस देखो यहाँ पर इनको कंस्ट्रक्ट होने में अच्छा खासा टाइम लगेगा, लेकिन चॉप से बढ़िया बेस बनाना है भाई अपने को। वो नुबड़ा निकल कैसे गया आगे। तो भाई यार इसी को तो प्रोग्रेस कहते हैं, मैंने कभी ग्रेप वार्ड वाली वाइन जो है लगाई नहीं फर्स्ट भाई। अरे दोस्त पहले बोलना सीख ले, उसको ग्रेप यार्ड विनियर्ड कहते हैं, समझा अपन लोग भाई, यानी ग्रेप वाइन विनियर्ड कहते हैं। तो गाइस उसमें ना अपन लोग हाई क्वालिटी वाइन मैन्युफैक्चर करने के लिए रखे, इसीलिए उससे ज्यादा इतना पैसा निकलता है, समझ रहे हो। और तुम यहाँ पे बैठ करके भुट्टा की खेती कर रहे हो, अपने धंधे पर री इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, और उसके वजह से तुम्हें यहाँ पे लॉस झेलना पड़ रहा है। लेकिन डोंट वरी गाइस, हमारी जो वॉल है आप लोग देख सकते हो प्रेटी मच यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। मैंने सारे के सारे यहाँ पर जितने भी बटन थे सबको क्लिक करके सारा माल पानी बाय कर लिया है। एंड नाउ ऑल दैट इज लेफ्ट कि इनको लेवल 2 करना है। तो गाइस आई थिंक यहाँ पर हम लोगों का कैसल भी बचा हुआ है, तो उसको भी कंप्लीट कर देते हैं। एंड मिलते हैं आप सभी से थोड़ी देर के बाद। Alright, ladies and gentlemen, so as you guys can see, हम लोगों ने अपना बेस मैक कर लिया है। एंड चलो आपको दिखा दूं, तो बेसिकली यार थोड़ा सा ग्लिच हो गया है गेम के अंदर। हम लोगों का कैसल तो बन ही गया है गाइज यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या बोलूं मैं, ये दीवार जो है अपग्रेड नहीं हो रही है गाइज। चॉप के भी आप लोग देख सकते हो पीछे वाला सेक्शन जो है वो अपग्रेड नहीं हो पा रहा है, बिकॉज देर इज अ ग्लिच इन द गेम। आप जब यार सारी दीवारें लेवल 2 करने जाओगे ना, तो पता नहीं क्या होता है, लेकिन आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ वॉल्स तुम अचानक से अपग्रेड कर ही नहीं पाओगे। तो ये थोड़ा सा अजीब लगा मेरे को, मे बी अब और अपग्रेड कर नहीं
सकते हैं, एक लिमिटेड नंबर ऑफ वॉल्स को लेवल 2 कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोग देखो भाई, अभी भी मेरी आर्मी बस एक बार सेंटर पे किंग ऑफ द हिल बनी थी बहुत देर के लिए, और उसके बाद नहीं बन पाएगा। अपन लोग दोबारा इस चॉप द नूबड़े ने भाई मौका ही नहीं दिया भाई, इसलिए तो बोलता हूँ मेरे बेस्ट रेट टकराने का फॉक्ट भाई, चूर चूर हो जाओगे। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं ब्रो, कोई बात नहीं, एक एक वीडियो में आगे निकल गया ना, अपने आप को फन्ने खान समझ ले तू, ठीक है, 30 मार खान बन गया ना तू, चलो भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यार, इसको 30 मार खान का टैग लेने दो। अपन लोग यहाँ पे सबसे प्रोएस्ट प्लेयर का टैग लेंगे, और भाई कितनी भी कोशिश कर लो ये देख लो यहाँ पर से अपग्रेड होता ही नहीं है, मैं क्लिक कर करके थक गया हूँ गाइज। लेकिन आई डोंट थिंक अब इस चीज पे यार यू नो रिग्रेट करने का समय बचा है। आप लोग बेस देखो, बताओ कैसा लगा, हर चीज मैक्स आउट है, टेम्पल ही टेम्पल लगा दिया, हाउसिंग ही हाउसिंग है, बैरिक्स है, उसके बाद सीज वर्कशॉप्स है, फार्म्स है, हाउसिंग है, टाउन सेंटर है। टाउन सेंटर इज द ओनली थिंग जो मैंने अपग्रेड नहीं किया और उसको अपग्रेड कर भी नहीं पा रहे, सेम ग्लिच जो कि मैंने पहले बोला था। विंडमिल्स वगैरह भी लगा दिए गाइस फटाफट से, एक और यहाँ पर वाइन यार्ड, अच्छा इसको नहीं लगा पाएंगे अभी पैसे ही नहीं है। ओके सो गाइस आई थिंक दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो, यार इससे ज्यादा नहीं मैक्स हो पाएगा ग्लिच की वजह से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना एंड स्टे फ्रॉस्टी।